हेलो एवरीवन, चावड़ा सा लेक्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम 12वीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारा अध्याय एक ठोस अवस्था चल रहा है। हमने इसके पहले आपको तीन वीडियो दिए थे। फर्स्ट वीडियो में बताया था ठोस अवस्था की परिभाषा और उसके लक्षणों के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और रचक कणों के आधार पर हमने जो ठोसों का वर्गीकरण है वो अगले वीडियो में बताया था। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस उनमें बताए थे। थर्ड वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण बताया था और चार तरह के ठोस बताए थे, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। इन चारों की परिभाषा, इनके उदाहरण हम बता चुके थे। अब इन चारों के लक्षण, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस, चारों के लक्षण। ठोस को हम क्रिस्टल भी कह सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, आयनिक ठोस को आयनिक क्रिस्टल भी कह सकते हैं और उसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, आयनिक ठोसों के लक्षण की बात कर रहे हैं। आपको आयनिक ठोस की परिभाषा अगर देखना है तो इसके पहले वाले वीडियो में देखें और तीन वीडियो जो हम इस चैप्टर के पहले डाल चुके हैं वो जरूर देखें। उसके बाद ये वीडियो यहां तक पूरा देखोगे तो और आनंद आएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आयनिक ठोसों के लक्षण। तो देखिए, आयनिक ठोस के जो लक्षण है, हमने परिभाषा में बताया था कि ये धन और ऋण आवेशों से मिलकर बने होते हैं या आयनों से मिलकर बने होते हैं। तो पहला लक्षण तो ये कि ठोस धन और ऋण आवेशों वाले आयनों से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। दूसरा, इन ठोसों में बंधन बल, कौन सा बल, बंधन बल कौन से नियम पर लागू होता है, कूलाम के आकर्षण नियम पे। कूलाम के नियम पर क्यों आकर्षण होगा, क्योंकि कूलाम का जो नियम है वो कहता है धनायन और ऋणायन से मिलकर बना हुआ कोई भी पदार्थ, तो इसलिए कौन सा, कूलाम के आकर्षण नियम पर लागू हो रहा है इसका बंधन बल। तीसरा, ये ठोस कठोर और भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। कठोर मतलब बिल्कुल ठोस होने जैसे ईंट वगैरह रहती है, और भंगुर अगर उनको तोड़ेंगे तो उनकी प्रकृति क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, भंगुर प्रकृति के हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, बारी बारी हो जाएंगे। ये ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। जो पोलराइजेशन जो आपका विलायक होता है उसके अंदर ये क्या होता है, पोलराइड विलायक में ये क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो चार लक्षण हमने बताए, ये ठोस धन व ऋण आवेशों वाले आयनों से मिलकर बने होते हैं, ये ठोसों में बंधन बल कूलाम के आकर्षण नियम का होता है, जो बंधन बल होता है वो कूलाम के आकर्षण नियम का होता है, ये ठोस कठोर और भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं और ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। तो ये हो गया हमारा आयनिक ठोस के लक्षण। इसके बाद देखते हैं हम हमारे आणविक ठोस के लक्षण। तो इसमें देखते हैं हम आणविक ठोसों के बारे में। आणविक ठोस हमने बताया था परिभाषा में कि आणविक ठोस अणुओं के द्वारा बने होते हैं। तो पहला लक्षण तो ये कि ठोस अणुओं द्वारा बने होते हैं। इनमें जो बंधन बल होता है वो वांडरवाल बल होता है। कौन सा बल होता है, बंधन बल, इसमें वांडरवाल बल होता है। तीसरा, ये ठोस वो क्या थे, वो थे भंगुर थे और दृढ़ प्रकृति के थे। ये क्या थे, क्या है, मुलायम होते हैं। ये ठोस क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ये ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों विलायकों में घुल जाते हैं। किसमें, ये ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, दोनों में मिल जाते हैं। तो चारों पॉइंट को रिपीट करके देखता हूं। आणविक ठोस के लक्षण, ये ठोस अपने सॉरी ये ठोस अणुओं द्वारा बने होते हैं। इन ठोसों में बंधन बल वांडरवाल बल होता है। ये ठोस मुलायम होते हैं और ये ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। इसके बाद देखते हैं सहसंयोजक ठोस। देखिए, थर्ड, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, ये ठोस परमाणुओं के द्वारा बंधे होते हैं। परमाणुओं द्वारा इनका जो बंधन होता है वो होता है। इन ठोसों में जो बंधन बल है वो सहसंयोजक बल होता है। कौन सा बल होता है, सहसंयोजक बल होता है। तीसरा, ये ठोस अति कठोर और भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं और ये ठोस ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो चार पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे भी। ये ठोस परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। इन ठोसों के में बंधन बल सहसंयोजक बल होता है। ये ठोस अति कठोर व भंगुर होते हैं और ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चौथा हमारा, वो है धात्विक ठोस। और चौथा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में शब्द से ही पता चल जाएगा, धातुएं हम देख रखे, लोहा, तांबा,
पीतल कांसा जो भी धातुएं होती है वो सभी धात्विक ठोस होती है। तो ये क्या से बनी होती है, धातु परमाणुओं से बंधकर बनी होती है। इनमें जो बंधन बल होता है वो धात्विक बंध होता है। सभी क्या होती है, अति कठोर होती है। सिर्फ एकमात्र सोडियम ऐसी धातु है जो कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है, नरम होती है। आप लोगों ने देखा होगा सोडियम को मिट्टी के तेल में भी रखते हैं, इसीलिए सोडियम अपवाद है, बाकी सभी क्या होती है, कठोर होती है। और ये जितनी भी धातुएं होती है ये ऊष्मा और विद्युत की कुछ सूचालक होती है, सॉरी क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की सूचालक होती है। सूचालक क्योंकि अपन देखते हैं अपना विद्युत जैसे प्रोवाइड करते हैं तार के अंदर, मान लो ये मेरा माइक का वायर भी है तो इसके अंदर करंट प्रोवाइड हो सकता है तारों के अंदर, तो ये सारी धातुएं क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की सूचालक होती है। तो ये चार पॉइंट हो जाएंगे, ये ठोस धातुएं, सॉरी ये ठोस धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ये बंधन बल, ये ठोस में जो बंधन बल होता है वो धात्विक बल होता है, ये ठोस अति कठोर होते हैं सिर्फ सोडियम को छोड़ के, और ये ऊष्मा और विद्युत के सूचालक होते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने आप लोगों को चारों के लक्षण बताए। इसके पहले तीन वीडियो हम डाल चुके हैं, लगातार पूरे साल हम केमिस्ट्री के वीडियो डालने वाले हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद, क्योंकि लगातार एक साथ दो विषय मेरे को चलाने में दिक्कत हो रही है, तो मैं केमिस्ट्री के साथ साथ आप लोगों को 1 जून से फिजिक्स का भी एक वीडियो रोज डालूंगा। अभी अल्टरनेट डाल रहा हूं एक दिन छोड़ के, बाद में हम एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री के वीडियो डालेंगे और थोड़े लंबे वीडियो डालेंगे जब तक हमारी और आपकी रूटीन भी बन जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन को क्लिक करके रखें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।